हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपके अपने किचन प्रत्यांश किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फ्रूट्स लॉली जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 किस्म के फल लिए हैं। मैंने यहाँ पे अनार लिया है, एक संतरा लिया है, एक आम लिया है, जिसमें से हमें आम को पूरा यूज़ नहीं करना है, एक चौथाई यूज़ करना है हमें। और मैंने यहाँ पर लीची लिया है 10 से 12। और यहाँ पर मैंने तरबूज लिया हुआ है, तरबूज को भी हमें पूरा यूज़ नहीं करना है। तो चलिए हम इसका फ्रूट्स लॉली तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जूसर लिया है, मैं यहाँ पे एक संतरे को आधा आधा कट करके और इसका रस निकाल लूँगी। देखिए, बहुत आसानी से इसमें हमारे जो जूस हैं वो निकल जाएंगे। ऐसे ही हम अपने संतरे और अनार के जूस को इस जूसर में निकाल लेंगे। मैंने अगर आपके पास ऐसा जूसर नहीं है तो मैंने आगे वीडियो में बताया है कि आप कैसा जूसर ले, बहुत आसानी से मिल भी जाता है और आसानी से उसमें जूस भी निकल जाते हैं। तो देखिए, संतरे का जो जूस है वो निकल चुका है। ऐसे ही अनार का भी जूस निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें ये होता है कि इसमें बस अपने फलों को कट करें और इसमें प्रेस करके अपने जूस को आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, तो मैंने यहाँ पे अनार के जूस को भी निकाल लिया है, इसे भी एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए, बहुत आसान होता है इसमें जूस निकालना। तो यहाँ पर मैंने तरबूज और आम और ये जो लीची है, लीची का मैंने बीज निकाल दिया है और पल्प को यूज़ किया है। और यहाँ पे जो तरबूज है उसको कट कर लिया है। अगर यहाँ पे आप तरबूज का बीज नहीं निकाल पा रहे हैं तो जब जूस बनाते समय इसे जब हम स्ट्रेन में छानेंगे तो सारे बीज निकल जाएंगे। आप ऐसे जूसर का यूज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर आसानी से ये मिल जाते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनार को हमें छील के और दाने निकाल के इसमें उसका जूस निकालना पड़ता है। फ्रेंड्स, देखिए, तो यहाँ पे हम एक जार ले लिए हैं जिसमें अपने तरबूज को डाल के और इसे ग्राइंड कर लेंगे। उससे पहले हम इसमें 2 टीस्पून शुगर डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और हमारा जूस बन के रेडी हो चुका है। तो इसे हम छान लेंगे ताकि जो बीज हैं वो आराम से निकल जाएंगे। इसे 1 स्पून के हेल्प से अपने जूस को निकाल लेंगे। देखिए, तो जो बीज हैं वो सारे निकल चुके हैं और इसे हम अलग रख लेते हैं। ऐसे ही हम अपने लीची को भी ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, इसमें हम 1 टीस्पून शुगर डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, देख सकते हैं आप। इसे भी हम छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है, उसमें हम छान लेंगे और थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया यहाँ पर और इसका जूस हम निकाल लेंगे। देखिए, बहुत आसान है। तो मैंने यहाँ पे लीची का भी जूस निकाल लिया है। तो चलिए, हम इसे मैं आम का भी निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आम के पल्प को डाल दिया है और यहाँ पे मैंने 2 कटोरी पानी यूज़ किया है और इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये थोड़ा थिक है। तो चलिए, हम इसे अपने लॉली मोल्ड में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 6 फलों का रस निकाल लिया है। ये ऑरेंज फ्लेवर है, ये लीची है, ये तरबूज वाला है और यहाँ पे मैंने मिक्स फल यूज़ किया है। जो 5 फलों को मिक्स करके जो जूस निकाला था मैंने उसमें ऐड कर दिया है और मैंगो था। तो यहाँ पे मैंने लॉली मोल्ड ले लिया है, उसमें अपने तरबूज के जूस को डाल देंगे। यहाँ पे ऑरेंज जूस है, ये लीची जूस है, ये मिक्स जूस और ये तरबूज का जूस है और यहाँ पे मैंने आम के जूस को भी डाल दिया है। देखिए, तो हम इसका कैप लगा लेंगे और इसमें हमारे जो लॉली मोल्ड है उसमें हम सारे जूस को डाल दिए हैं और इसे आप फ्रिज में 6 घंटे के लिए, ओवरनाइट के लिए भी आप रख सकते हैं। तो मैं इसे फ्रिज में रख दे रही हूँ ओवरनाइट के लिए। देखिए, जो हमारे लॉली मोल्ड में जूस है कितना अच्छा दिख रहा है और ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। फ्रेंड्स, देखिए, तो फ्रेंड्स मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया और मैंने यहाँ पे हल्का गुनगुना पानी लिया है जिसमें हम कुछ सेकंड के लिए रख देंगे इसे, ताकि जो हमारे फ्रूट्स लॉली है वो आसानी से निकल जाए। देखिए, तो अब हम निकाल लेंगे इसे और ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। आप इसे खींचिएगा मत, आराम से इसे निकालिएगा, ये निकल जाएगा। खींचेंगे तो इसमें जो स्टिक लगी है वो बाहर आ जाएगी। तो ये अनार वाला फ्रूट्स लॉली था और ये हमारा ऑरेंज है। देखिए कितना अच्छा जो हमारा
फ्रूट्स लॉली ये बन के रेडी हुआ है, और ये लीची वाला है, लीची वाला तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स। तो आप इन सारे लॉली फ्रूट्स को ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसे कैसे बनाया। ऐसे ही हम सारे अपने लॉली फ्रूट्स को निकालेंगे, आप इसे फ्रूट्स लॉली भी बोल सकते हैं। ये मिक्स है जो हमने मिक्स फ्रूट्स से बनाए थे, देखिए। तो हमारे जो 6 तरीके के फ्रूट्स लॉली थे वो बिल्कुल रेडी हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट करके प्रेस करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।